ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं नमिऊणभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहम् पयणीनं पच्चयं वोचं। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है और उसकी टीकाओं के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है। उसके हिंदी अनुवाद के आधार से अभी हम कर्मकांड के आश्रव अधिकार की चर्चा कर रहे थे। हमने मूल आश्रव को ही प्रत्यय कहते हैं, वो जो नए कर्मों के आने को जो कारण है उसको आश्रव कहते हैं और वो पुद्गल के भी परिणाम है और जीव के भी परिणाम है। उसके मूल भेद हमने देखे थे मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग, और उसी के जो उत्तर भेद जिसको सब डिविजन्स कहेंगे हम, वो भी हमने विस्तार से देख ले, 57 प्रकार हमने देखे थे। अब इनको हमने गुणस्थानों में भी देखा है नाना जीवों की अपेक्षा, फिर मार्गणाओं में भी हमने विस्तार से देखा था। उसके बाद एक जीव की अपेक्षा जब हम आश्रवों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले में पहले स्थान की बात की थी। स्थान का अर्थ होता है एक जीव के एक काल में जो प्रत्ययों का समूह है, नंबर ऑफ प्रत्यय एक जीव के एक काल में पाए जाते हैं, उसको हमने स्थान कहा था। वो एक एक गुण स्थान में हमने सारे स्थान देखे और वो कितने कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देखा, क्योंकि इसमें हमने हर एक में तो तीन तीन कूट किए थे पर मिथ्यात्व में तो 6 कूट करने पड़े। अनंतानुबंधी रहित, जो अनंतानुबंधी की विसंजना वाला समय दृष्टि मिथ्यात्व में आता है तो आवली काल तक उसके अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, उस जीव की अपेक्षा हमने 3 कूट किए थे। 3 कूट इसलिए कि भय जुगुप्सा का उदय नहीं है वाले ने 0, भय या जुगुप्सा वाले ने 1 और दोनों का उदय ने 2 प्रत्यय। इस तरह से ये प्रत्यय उनकी संख्या उसको कैसे निकालना उसकी बात हमने देखी थी। तो स्थान को भी देखा था, स्थान प्रकार को भी देखा था। उसके बाद हमने कूट की रचना कैसे करने, क्योंकि हमने जो अक्ष बनाए थे पहले मिथ्यात्व का अक्ष, फिर इंद्रिय अविरति का अक्ष, फिर काय हिंसा के जो उसका अक्ष है, फिर कषाय का, वेद का, युगल का, योग का और भयजुगुप्सा का। तो ये कूट बनाने कैसे उसको भी हमने देखा और कूट का उच्चारण कैसे करना, जैसे हमने पहले में पहले क्या कहेंगे हम, एकांत मिथ्या दृष्टि, स्पर्शन इंद्रिय का वशीभूत, पृथ्वी काय के हिंसक, इस तरह से। और अभी हाँ अनंतानुबंधी रहित वाला तो 3 प्रकार के क्रोध वाला जीव है, उसके बाद नपुसक वेदी है और हास्यरति संयुक्त है, सत्य मनोयोगी है, फिर दूसरे की स्थिति। ये आगे के कैसे हो गए भंग, जो 63 भंग है उसकी अपेक्षा एकांत मिथ्या दृष्टि पर लिया, फिर विपरीत पर, इस तरह से 5 पर। उसके बाद एक एक अक्षर जब अंत तक पहुंचता है, जैसे मिथ्या तो के 5 भेद हो गए तो उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे, रसनेन्द्रिय पर चले जाएंगे। इस तरह से हमको सारे भेद निकालना है, तो उसकी विस्तार से हमने चर्चा की थी। तो कूट कैसे बनाना, वो कूटोच्चारण कैसे करना उसकी भी बात हमने देखी थी। उसके बाद जो हम भंग, जो हमने 63 भंग देखे थे या जो भयजुगुप्सा में 4 भंग है, तो ये सब भंग और सभी उसके जो अलग अलग प्रकार है तो टोटल यानी पूरे सभी मिलकर भंग कितने होते हैं, तो भंग को लाने का जो विधान है उसका जो प्रोसेस है उसकी जो प्रक्रिया है कैसे लाना, तो उसके लिए हमने भंगानयन उसको कहेंगे, भंगों को लाने का जो कुछ विधि है उसकी बात हमने देखी थी। तो कैसे लेना है कि जैसे हम कहीं पर जितने भेद होते हैं, इसीलिए हमने प्रमाद की बात देखी थी कि 4 प्रकार की विकथा होती है, 4 प्रकार के कषाय होते हैं, 5 प्रकार की इंद्रिय अविरति होती है,
निद्रा और स्नेह तो एक एक होते हैं, तो उनके टोटल भंग हमको निकालने हैं, तो जितने हैं ना उसकी आपस में गुणा करना, 4 × 4 × 5 × 1 × 1, तो हमने प्रमाद के 80 भेद देखे थे। इसी तरह यहाँ पर भी जो हमारे हैं उस सब का आपस में गुणा करेंगे तो हमें उसके भंग आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमने मिथ्यात्व में देखे थे, तो मिथ्यात्व में सहित और रहित वाले की भी हमने जो देखे थे उसकी अपेक्षा बात क्या थी कि जो अनंतानुबंधी रहित वाले थे उसमें योग 10 थे और अनंतानुबंधी सहित वाले में योग 13 थे। उसकी अपेक्षा जो वहाँ विशेषता बनी थी उसकी अपेक्षा हमने वो कैसे निकाला उसको भी देखा था। उसमें 2 शब्द आए थे, एक ध्रुवगुण्य और अध्रुव गुणकार। ध्रुवगुण्य ने बाकी जो है मिथ्यात्व के 5 भेद है और इंद्रिय अविरति के 6 भेद है और फिर कषाय के 4 प्रकार है, क्रोधमान माया लोग, और वेद 3 है, हास्यरति के 2 युगल है, और जितने जो योग हो गए उसको लेना है और उसको ध्रुवगुण्य कहेंगे, उसको आपस में गुणा करेंगे उसको ध्रुवगुण्य कहेंगे। अध्रुव गुणकार में किसको लेना है, वो 63 भंगों को भी लेना है और जो भय जुगुप्सा के जो 4 भंग है उनको भी लेना है। 4 भंग कैसे, दोनों का उदय नहीं है वो एक भंग, और फिर एक भय का उदय है वो दूसरा, जुगुप्सा का उदय वो तीसरा, और दोनों का उदय है वो चौथा। इसलिए अध्रुव गुणकार में किसको किसको लेंगे, 63 भंग और जो 4 जो भय जुगुप्सा के, जहाँ जिस गुणस्थान में हो जितने हो गए उसको लेना है। इस तरह से हमने मिथ्यात्व के भी भंग लाए थे, फिर सासाधन गुणस्थान के भी भंग ला के देखे थे। मिश्र ने सम्यक मिथ्यात्व में भंग हम फिर से देख कर फिर आगे बढ़ेंगे। जो बोर्ड पर भी लगाया है ना चार्ट, आपके भी है 13 नंबर का जो चार्ट है उसको हम देखेंगे। हमने 14 लगा लिया, अच्छा 13 का कल हमें शाम को देखा था, हम उसको रिपीट कर देते, फिर 14 को हम बाद में देखेंगे। सम्यक मिथ्यात्व में क्या है, मिथ्यात्व का वाला अक्ष तो है ही नहीं है, तो इंद्रिय अविरति 6 प्रकार की है, अभी भंगों को अलग रखो। फिर कषाय 4 यानी 3 प्रकार के क्रोध या मान या माया लोग, इसलिए 4 लेना। तीनों वेद है वहाँ पर, 2 युगल है, योग 10 ही है। क्यों, क्योंकि इसमें मरण नहीं है तो कारमान का योग औदारिक मिश्र और वैकरिक मिश्र नहीं होगा, भय जुगुप्सा के तो भंग हम बाद में उससे गुणा करेंगे। तो हमने ध्रुवगुण्य में क्या लिया था, 6 अविरति को लिया, फिर 4 कषाय को लिया, 3 वेद को, 2 युगल को और 10 योग को, इन सब का आपस में गुणाकार किया था। 13 नंबर का चार्ट अपने ओर देखना, तो ये 1440 आए थे। अब हमारे भंग कौन कौन से है जिसको हम अध्रुव गुणकार कहेंगे, 63 और 4, तो हम कुल भंग जो हम निकालना है तो 1440 निकल रहे थे ध्रुवगुण्य, उसको गुणा करेंगे 63 से और उससे गुणा उसको भी गुणा करेंगे 4 से, और इसके सबकी टोटल आई थी 362,880। यहाँ तक तो अपना कल विषय तो हो चुका था, है ना। अभी हम असंयत समय दृष्टि ने चौथे गुणस्थान वाले की बात करेंगे। अभी चौथे गुणस्थान में हमें पहले में पहले ये नक्की करना है कि यहाँ योग कितने हो गए, क्या हो और क्या नहीं होगा। हाँ 13 हो गए, परंतु 13 हो गए तो उसमें कुछ विशेषता होगी, अब उस विशेषता को हम देख रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये हम बोर्ड पर देखेंगे, अभी असंयत समय दृष्टि यानी चौथे गुणस्थान वाली की बात है, उसमें हमको भंग निकालना है। तो उसके बाद हम भी देखो यहाँ अलग अलग बात की, एक पर्याप्त में बताया है, वैकरिक मिश्र और कारमांड में बात बताई है और औदारिक मिश्र में अलग बात बताई है, ऐसा क्यों उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले में पहले पर्याप्त के योग कौन से हो गए, मन के 4, वचन के 4, औदारिक का योग और वैकरिक का योग, कितने हुए, 10 हुए, तो यह हमने योग 10 लिखे हैं। फिर से सुनना, चौथे गुणस्थान में हमने 3 अलग अलग भेद किए, क्यों, पर्याप्तों के योग अलग गिनाएंगे, वैकरिक मिश्र के भी अलग गिनाएंगे और औदारिक मिश्र के अलग गिनाएंगे। क्यों, वैकरिक मिश्र कब होगा, सम्यक्त के साथ वहाँ चला जाएगा। तो देखो पहले में पहले पर्याप्तों के योग देखते हैं। पर्याप्तों में यहाँ पहला अक्ष कौन सा, मिथ्या तो है ही नहीं है, अविरति से चालू हो जाएगा, इंद्रिय अविरति 6, वो हमने यहाँ ये जहाँ 6 लिए ध्रुवगुण्य पर्याप्त में नीचे लिखे, ये 6 को हमने यहाँ लिखा है। कषाय 4 प्रकार के हैं,
यानी तीन प्रकार के क्रोध या मान या माया या लोभ, चौथा गुण स्थान है अनंत अनुबंधी बिना, पर क्रोध मान माया लोभ के चार विकल्प है इसलिए इसको चार लिया। वेद तीनों है, युगल दो है, योग दस है, इसको सबको आपस में गुणा किया तो उसका उत्तर आया 1440। यहाँ तक समझ में आई बात? जैसे तीसरे में भी देखा था 1440 यहाँ आ गए। अभी हमें लिखना है वैक्रेक मिश्र और कारमान में, तो वैक्रेक मिश्र और कारमान की विशेषता क्या है? अब ये कौन सा जीव है? सम्यक दृष्टि जीव है। और वैक्रेक मिश्र कब होगा? मरकर सम्यक्त्व के साथ कहाँ जा सकता है? देव में, या सम्यक्त्व के साथ कहाँ जाएगा? नरक में। तो देव में कहाँ, किस में जाएगा? स्त्री में के पुरुष में? हाँ, पुरुष में ही जाएगा। क्यों? सम्यक तो सही जाने वाला कभी स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता, ना भाव से ना द्रव्य से, ये नियम है। तो यहाँ कहते हैं कि वैक्रेक मिश्र में और कारमान का योग में ये कितने योग लिए? दो, क्योंकि वैक्रेक मिश्र और कारमान को लेना है। पर विशेषता कित कहाँ है वेदों में? क्यों? स्त्री वेद देखो, सम्यक्त्व में जो मरकर अन्य भाव में सम्यक्त्व लेकर जाता है तो स्त्री पर्याय में वो सम्यक्त्व सहित उत्पन्न नहीं होता। सम्यक्त्व सहित मरकर अन्य भाव में जाने वाला पुरुष ही होता है। अब इसके पुरुष ही होता है, फिर यहाँ दो क्यों लिए? क्योंकि जो क्षायिक सम्यक्त्व लेकर नरक में जाता है उसके वैक्रेक मिश्र भी होगा, पर उसके नपुसक वेद है, वो एक ऑप्शन है, क्योंकि उसने तो नरक में एक ही वेद होता है और क्षायिक लेकर गया है तो वहाँ तो उसको क्षायिक के साथ ही उत्पन्न होना है। अभी जो कोई तिर्यंच में भी उत्पन्न होता है क्षायिक लेकर, वो भी पुरुष वेद में। क्षायिक लेकर मनुष्य में आने वाला कहाँ से आएगा? देव से आएगा, नरक से आएगा, या मनुष्य में से भोग भूमि में जाएगा, वो भी पुरुष में उत्पन्न होगा। यानी सम्यक्त्व के साथ मरकर अन्य भाव में जाने वाला स्त्री में उत्पन्न होता ही नहीं है। यहाँ तक समझ में भाई भाई? इसलिए यहाँ वैक्रिक मिश्र को अलग लिया और औदारिक मिश्र को अलग लिया। औदारिक मिश्र किसको होता है? तिर्यंच मनुष्य को शुरू में, यानी अभी गर्भ में आया है बालक, सम्यक्त्व लेकर आया है, तो कौन सा वेद होगा उसको? एक पुरुष वेद ही होगा, वहाँ ना स्त्री वेद होगा ना नपुसक वेद होगा। तो औदारिक मिश्र कब हो सकता है सम्यक्त्व के साथ? देव सम्यक दृष्टि मनुष्य में आएंगे, नारकी सम्यक दृष्टि मनुष्य में आएंगे, या मनुष्य क्षायिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच होगा। ये सभी पॉसिबिलिटी है औदारिक मिश्र में सम्यक्त्व लेकर जाने के, वहाँ उसका कौन सा वेद होगा? तो पुरुष वेद ही होगा। इसलिए देखो वैक्रेक मिश्र में हमने दो वेद लिए हैं, परंतु औदारिक मिश्र में एक ही वेद लिया, कौन सा? पुरुष वेद। ये समझ में आई बात? इसलिए इसके भंग निकालने के लिए हम सबको आपस में गुणा करके वो भंग नहीं लिए, मैं लेंगे तो क्या क्या होगा? यहाँ वैक्रेक मिश्र में ये छः लिए, 63 भंग तो हम बाद में यहाँ नीचे बताएंगे, ये चार कषाय है, दो वेद है, दो युगल है और दो योग है, ये दो योग लिए यहाँ पर, ये इसके चार भंग तो हम बाद में इसको नीचे बाद में देंगे। जहाँ भंग लिखे हैं ना इसको अध्रुव गुणकार में ले लेते हैं और उसको बाद में यहाँ बताएंगे। औदारिक मिश्र की बात करते अभी, औदारिक मिश्र में वही छह अभिरति है, ये भंग बाद में लेंगे। कषाय चार प्रकार के हैं, क्रोध मान माया लोभ, वेद एक ही है। औदारिक मिश्र में सम्यक दृष्टि जो है औदारिक मिश्र में आया है उसको एक पुरुष वेद ही होगा। ये समझ में आती है बात? कौन वैक्रेक में दो इसलिए आए कि वैक्रेक मिश्र किसको होते हैं? देव को भी और नारकी को भी। देव में सम्यक्त्व के साथ जाएगा तो पुरुष में ही जन्मेगा, और नरक में सम्यक्त्व लेकर जाने वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि जो क्षणिक राजा जैसे है वो भी वहाँ, वो तो नपुसक वेद ही है, वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, केवल उस अपेक्षा से नपुसक वेद का स्वीकार है। इसलिए वैक्रेक मिश्र में वहाँ तो दो वेद लिए, वैक्रेक मिश्र और कारमान में भी, क्योंकि जो सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में आने वाला कारमान वाला होगा उसके तो पुरुष वेद है, पर नरक में कारमान के साथ जाने वाला उसको नपुसक वेद है, इसलिए वैक्रेक मिश्र के साथ कारमान को रखा, औदारिक मिश्र को अकेला रखा। तो इस दो योग को
दो वेद लिए और इस एक योग को एक ही वेद लिया। इसलिए पहले पहले ध्रुवगुण्य जो हम निकालेंगे वो अलग अलग निकाल के उसकी टोटल करेंगे। तो यहाँ ध्रुवगुण्य जो पर्याप्तों में ध्रुवगुण्य देखे भाव से भी और द्रव्य से भी पुरुष वेदी ही होगा, अभी सम्यक्त से आया हुआ है, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो ये ध्रुवगुण्य जो है पर्याप्तों में पहले देखा, देखो नहीं छः फिर चार, ये तीन, ये दो और ये दस, उसका गुणकार 1440 आता है। अब वैकृत मिश्र और कारमान दो योग हुए ना, तो ये दो योगों की बात यहाँ यहाँ लिए, दो योगों की उसमें क्या है वही छः लेना है, कषाय चार लेना है, वेद दो लेना है, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, और फिर युगल है दो, और यहाँ पर योग दो क्योंकि वैकृत मिश्र और कारमान ये दो योग हो गए। फिर औदारिक मिश्र में छः तो लेना है ये अविरति वाले, चार कषाय वाले, यहाँ वेद एक ही लेना, कौन सा पुरुष वेद ही लेना, फिर दो युगल और एक ही योग है ये, इसलिए एक लिया। टोटल योग कितने हो गए चौथे गुणस्थान के, दस और दो और एक 13 हो गए ना। अब इसके 1440 थे, इसको 192 148, तो 1680 तो कुल ध्रुवगुण्य हो गए। और हमने भंगुण को छोड़ा था 63 को और 4 को, वो हमारे अध्रुव गुणकार हुआ। अब ये तीनों का आपस में गुणा करेंगे 1680 गुणा 63 गुणा 4, तो यहाँ सम्यक दृष्टि के असंय चौथे गुणस्थान वाले के 4,23,360 ये सारे उसके भंग हो जाएंगे यहाँ पर ऊपर। औदारिक मिश्र के साथ इसलिए नहीं लिया, जो अभी औदारिक मिश्र में सम्यक तो लेकर कौन आता है, मान लेते ना देव आया, तो देव औदारिक मिश्र में पुरुष वेदी है, तो मनुष्य में आने वाला जो कारमान योग में है वो भी पुरुष वेदी ही होगा। केवल नरक में जाने वाला जो कारमान का योगी है उसको नपुंसक वेद हो सकता है, इसलिए कारमान का योग को वैकृत मिश्र के साथ लिया। यहाँ तक समझ में आई बात, अभी हम आगे देखेंगे। देखो देश संयत में भंग देखे, पहले हम देश संयम के योग कितने होते हैं उसकी बात करेंगे। आपका प्रश्न है यहाँ असंयत समय दृष्टि में चार लिए, उसके तो तीन ही अनंतानुबंधी रहे नहीं, तो इसका हमने क्या वो तो हमने जो हमने भंग को यानी पढ़ा था ना कूट के उच्चारण, सॉरी कूट को उच्चारण कर रहे थे, तो कूट के उच्चारण में हमने उसको तीन क्रोध का धारक लिया था, समझ में आती है ना बात। और यहाँ हमको क्या लेना है, क्रोध है क्या, मान है क्या, माया है क्या, लोभ है, नहीं समझे, हमें चार विकल्प को देखना है यहाँ पर, उसकी बात है यहाँ पर। तो देश संयत में अभी देखेंगे यहाँ योग कितने हैं, नौ योग है, और बाकी यहाँ क्या नहीं है, त्रस हिंसा नहीं है, त्रस का हिंसक नहीं है, तो अभी यहाँ कितनी बातें होगी ये हमको कंसीडर करना है, क्योंकि इसके जो जिसको हम कहेंगे ना भंग कितने होंगे, जहाँ पांच है वहाँ भंग लाने का हमने विधान देखा था, पांच बार दो लिखो आपस में गुणा करो तो क्या आएगा 32 आ जाएगा, उसमें से एक कम कर दो तो क्या होगा 31 हो जाएगा ना, तो यहाँ 63 के बदले 31 भंग को कहेंगे हम। देखो देश संयत में हम देख रहे हैं यहाँ भंग, फिर देखना चार देख लोगे, ये कल हमने विस्तार से देखे थे ना, अभी एक एक गुणस्थान में देखना है हमको। असंयम अभी पांचवें गुणस्थान वाले को भी इंद्रिय अविरति है, पांच इंद्रिय और मन संबंधी अभी उसकी अविरति चल रही है, परंतु यहाँ त्रस हिंसा नहीं रही, पांच स्थावर संबंधी हिंसा है और उसके पांच अलग अलग विकल्प है, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रत्येक भंग निकालेंगे, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुस्संयोगी और पांच संयोगी, छह संयोगी होगा क्या, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, तो उसके हमने कैसे कैसे निकाले थे ना कल, सारे कैसे निकालने, उसी तरीके से उसके हमने दो तीन पद्धति निकाली थी, उसकी अपेक्षा से ये सब भंग हम निकाल सकते,
तो डायरेक्ट हमने यहाँ 31 भंग लिख दिए। कषाय तो यहाँ चार प्रकार के हैं। देखो जैसे आपका प्रश्न था ना, यहाँ कौन से कषाय कौन से क्रोध है, तो प्रत्याख्यान और संज्वलन दो ही है, परंतु यहाँ चार क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ क्रोध, यहाँ मान, यहाँ माया या लोभ, इसलिए यहाँ चार लिखे। वेद कौन से हो सकते हैं? अरे तीनों, तीनों वेद तो 90 तक चलेंगे। फिर ये युगल दो और योग 9। अभी इसमें तो कोई अन्य विकल्प नहीं है, यहाँ कोई अन्य योग भी नहीं होगे, तो एक ही ध्रुव गुण्य हमने निकाला है। इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो 1296 आ जाएगा। ये आसान है, पंचम गुण स्थान में तो और कोई सोचना नहीं है। अध्रुव गुणकार क्या है? हमेशा हम 63 लेते थे, अब यहाँ हमको 31 लेना है। भंग यहाँ 31 के है, तो 31 भंग है और यहाँ पर ये चार हो जाते हैं, तो 124 हो गए। ये 124 हो गए, तो कुल भंग कितने हो गए? 1296 और यहाँ 124, ये कितने रहेंगे? 1,60,704। हाँ, आपका प्रश्न ये 9 योग है, ये कौन सा गुणस्थान वाला जीव है? पांचवा। पहले में पहले सोचो कि गति कौन सी है पांचवे गुणस्थान वाले की? मनुष्य गति है। और पांचवा गुणस्थान किसी को अर्लीएस्ट कब हो सकता है? भले सम्यक तो के साथ भी क्यों ना जन्मा हो, 8वें साल के बाद उसको पांचवा गुणस्थान होता है। तो उसमें कारमान होगा क्या? औदारिक मिश्र नहीं होगा। और देवों में जो होते हैं वैकृत मिश्र, और वो भी नहीं होगी। पांचवा गुणस्थान है तो आहारक और आहारक मिश्र भी नहीं होगा। तो इसलिए 15 में से ये 9 है, 6 नहीं है। ख्याल में आई बात? अब ये हो गई पांचवे गुणस्थान की बात, उसके हमने टोटल भंग भी देखे थे। अब प्रमत्त संयत यानी छठे गुणस्थान की बात देखेंगे। अभी पांचवे गुणस्थान में है और छठे में नहीं है, या पांचवे में नहीं है और छठे में है, ऐसा क्या हमको देखना पड़ेगा? तो मेरा प्रश्न, यहाँ 31 भंग हो गए कि कितने हो गए? हाँ, अरे यहाँ अविरति ही नहीं है, ना इंद्रिय असंयम है ना प्राणी असंयम, ये तो संयम ही है। इंद्रिय संयम हुआ है, प्राणी संयम हुआ है, यानी पांचों स्थावर का और तरह संबंधी हिंसा का पूरा त्याग हो गया हमको, एक बात ये हो गई। तो यहाँ भंग नहीं होगे उसके, यानी क्या? अविरति ही नहीं होगी, यानी ये कॉलम ही वहाँ नहीं रहेगा। तो कहाँ से शुरुआत हो जाएगी? कषाय से। पांचवें गुणस्थान तक असंयम के भेद गिने थे हमने, अभी मिथ्या तो भी गया, असंयम भी गया, अब क्या रह गया? कषाय, वेद, युगल और योग। हाँ, भैजुगुप्सा के भंग हो गए, चार भंग हो गए यहाँ पर। अध्रुव गुणकार में चार को कहेंगे, बाकी वो असंयम वाले भंग अभी यहाँ से निकल गए। अब यहाँ देखते हैं प्रमत्त संयत में भंग, यानी छठे गुणस्थान का नाम है प्रमत्त संयत। वो वहाँ पर वो मिथ्या तो असंयम दोनों चले गए, कषाय से शुरुआत होती है, भले एक ही क्रोध या मान या माया या लोभ, इसलिए फिर भी यहाँ चार लिख दिए, है ना? ये चार कषाय चौकड़ी नहीं है, संज्वलन ही है, परंतु उसमें चार भेद हो सकते हैं। वेदों में तीनों वेद है, युगल में फिर भी यहाँ यहाँ जो हम अलग अलग उसकी टोटल करेंगे, क्यों? यहाँ हमको आहारक द्विक को भी लेना है, आहारक और आहारक मिश्र का योग। उसकी विशेषता क्या थी? उसमें स्त्री वेद और नपुसक वेद नहीं होगा, इसलिए 9 योगों को अलग गिनेंगे और 2 योगों को अलग गिनेंगे, फिर बाद में उसकी टोटल करेंगे और फिर भंगों से गुणा करेंगे। इसलिए सामान्य से सामान्य जो छठे गुणस्थान वर्ती है उनके कषाय के चार भेद हैं, वेद 3 है, युगल 2 है और योग 9 है। इन सबको आपस में गुणा किया है, ध्रुव गुण्य को नहीं, बाद में गुणा किया। इसमें इसके चार भंग अलग, इसके अलग भंग, यानी अभी इसको इसको लेना पहले पर्याप्त हमको, जो रेगुलर जो छठे गुणस्थान वर्ती है, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 9, इनका गुणकार हुआ 216। गुणा करेंगे 216 निकले, ये समझ में है यहाँ पर। अभी आहारक और आहारक मिश्र में पुरुष वेद ही है, एक ही वेद लेना है। कितने योग लिए हमने? आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, इसलिए योग के नीचे 2 लिखा। युगल तो 2 होते, वेद एक ही लेना, कौन सा? पुरुष वेद वाले को ही आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग होगा। हाँ, अन्य वेद वाले उसका बंद कर सकते हैं, पर उसका उदय होकर आहारक शरीर बनाने का कार्य उनके नहीं होगा।
तो कहते इनके लिए कषाय चार, वेद एक, युगल दो और योग दो, इनको गुणा करेंगे हम तो उसमें गुणा करके आए 16। पहले आए थे 216 और ये 16, 232 हो जाएंगे। अब ये तो भय और जुगुप्सा के तो चार भंग है ही है, यहाँ पर भी है, तो उस चार से हमको उसको गुणा करेंगे तो 232 को इस चार से गुणा किया 928। अभी सारे आश्रय घट रहे हैं ना। हाँ हाँ, आपका यही प्रश्न है जो अभी पीछे से भी पूछा था कि छठे गुणस्थान में भी चार कषाय लिए, पांचवे में भी लिए। हम तो समझते खाली पहले गुणस्थान में ही चार होते हैं, पहले गुणस्थान में चार प्रकार के क्रोध होते हैं, परंतु यहाँ जो हम चार लिख रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये चार प्रकार के विकल्प है। जैसे वेद तीन लिखे, क्यों लिखे, किसी को स्त्री वेद, किसी को पुरुष वेद, किसी को नपुंसक वेद, ऐसे यहाँ पर किसी को क्रोध का उदय है, किसी को मान का, किसी को माया का, इस किसी को लोभ का, इसलिए यहाँ हमने चार लिखे। एक कषाय के बारे में जरा कन्फ्यूजन चल रहा है, कषाय चार का अर्थ क्या है, संज्वलन के चार प्रकार है यहाँ पर, किसी को क्रोध, किसी को मान, किसी को माया, किसी को लोभ है, इसलिए यहाँ चार लिखे है। ये समझ में आई बात, इस तरह से इसको ले लेना। तो ये हमने छठे गुणस्थान के भी भंग, ये समझ में आ रही है ना बात। हाँ हाँ, ये निकाल है क्योंकि अभी ये आसान है, क्योंकि हमने एक कूट बनाने में, कूटोच्चारण करने में, भंग लाने में इतनी मेहनत की है, तो ये मेहनत का फल अभी समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी, है ना। और दूसरी भी बात, लोगों को बहुत कुछ आकुलता हो रही है क्योंकि चार्ट में पांच भाव लिखे और आप कुछ बोलेंगे ही नहीं, और ऐसा लगता है ये सब कूट और भंग देखकर हमारा माथा सनक गया है, थोड़ा कुछ आसान बताओ, तो उनके लिए कुछ वो भी बातें बताएंगे। अभी और है 3 घंटे तो और है ना। हाँ देखो, अभी हम देखते हैं अप्रमत्त संयत, कौन से गुणस्थान वाले हैं, ये 7वें, और अपूर्वकरण 8वें, तो उसको एक साथ इसीलिए लिया कि उनमें कोई भेद नहीं, उसमें कोई अलग विशेषता नहीं है, इसलिए दोनों की बात एक साथ बताई है, पर दोनों के मिलकर ये नहीं है, उनके अपने अपने जुदे जुदे, 7वें के अपने जुदे हो गए, 8वें के अपने जुदे भंग हो गए, समझ में आई ना बात। हाँ अभी हम देखते हैं अप्रमत्त संयत यानी 7वां गुणस्थान है, इसमें छठे से यहाँ क्या विशेषता होगी, आहारद्विक यहाँ नहीं होगा। अब उसकी अपेक्षा से हम देखते हैं, देखो चार डायरेक्ट देख लो, देखो अप्रमत्त संयत और अपूर्वकरण में भंगों को देख रहे हैं हम। अभी हम कषाय जो है कितने प्रकार है, अभी भी है ना, क्रोध मान माया लोभ संज्वलन अकेला, पर चार विकल्प यहाँ है, वेद तीनों है, युगल दोनों है हास्य रति और रति शोक, और योग 9 है, मन के चार, वचन के चार और औदारी, क्योंकि ये तो पर्याप्त मनुष्य है ना, मुनिराज है, तो ये तो भय जुगुप्सा के तो चार भंग हो जाएंगे अलग से। अब ध्रुव गुण्य में क्या करते हैं हमेशा में, ये 4, 3, 2 और 9 इनको आपस में गुणा करेंगे तो वो आ जाएंगे 216। अब ध्रुव गुणकार अभी यहाँ केवल भंग किस में लगेंगे, भय और जुगुप्सा में ही भंग लगेंगे, उन भंगों से उसको गुणा करना है, तो 216 हमने वो ध्रुव गुण्य निकाले थे और उसको चार है और ध्रुव गुणकार है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 864 जो है वो कुल भंग किसके, 7वें के 864 और 8वें के 864, संख्या वही है। अब हम 9वें गुणस्थान की बात करेंगे, अभी आगे तो आसान है ना, हम कितना हल्का हो रहा है ना, तो समझने में इतना हल्का हो रहा है तो जो वो प्राप्त करते हैं वो कितने हल्के होते होंगे। तो हम अनिवृत्तिकरण में यानी 9वें गुणस्थान में भंग देखेंगे। देखो 9वें गुणस्थान की विशेषता क्या है, ये 9वां गुणस्थान ऐसा है कि इसमें बहुत सारा कार्य होता है, वो कार्य हमको यहाँ नहीं देखना है, हमको केवल वो आश्रय के प्रत्यय देखना है कितने होते हैं, क्योंकि ये उपशम का कार्य कहो या क्षपणा का कार्य कहो, मैक्सिमम ये 9वें गुणस्थान में होता है, ये लब्धिसार क्षपणासार में उपशम श्रेणी कहो, क्षपक श्रेणी कहो, अकेला 9वें गुणस्थान का वर्णन 150 पेजेस में आए, उपशम श्रेणी के अलग 150 पेज और क्षपक श्रेणी के अलग 150 पेज।
और कितनी बार क्या क्या प्रोसेस होते रहते हैं। एक अंतर्मूर्त में कोड़ा कोड़ी बार अंतर्मूर्त दूसरे हो जाते हैं, अनेक कोड़ा कोड़ी बार। ये केवल ज्ञानी की कैसी ज्ञान की महत्ता है, और वो भी छोटे छोटे अंतर्मूर्त है, यानी और वो पूरा मलिकल भी बड़ा अंतर्मूर्त है ही नहीं है। ये 48 मिनट वाला अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान होता है, वो तो कथन पद्धति चली है सब जगह सामान्य से। अरे छठे का जो काल है ना, उससे भी कम छोटे काल में 7, 8, 9, 10, 11, फिर 10, 9, 8, 7 सब गुणस्थान को पार करके छठे में आ जाता है। ऐसे श्रेणी निक्षेपक श्रेणी में भी है, अरे वो तो सेकंड का भी कुछ छोटा भाग होगा, इसने में तो श्रेणी चढ़कर पार केवल ज्ञानी हो जाते हैं। किसी को 48 मिनट में शुद्ध उपयोग में रहा और केवल ज्ञान हुआ, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। क्योंकि ये सारे अल्पभूत कितने छोटे बड़े, इसलिए बता रही हूँ कि आप प्रवचन करते हैं, हमने जो सुना है तो हम भी बताते हैं ना, तो ऐसी प्ररूपणा चल बसी है, परंतु ऐसा कहीं है नहीं। अंतर्मूर्त कहते हैं, जैसे आप नहीं कहते बस मैं 2 मिनट में आई, लगता बोले आधा घंटा। अभी अभी उसको हम सेकंड में नहीं कहेंगे, यथा योग्य अंतर्मूर्त, हमारी ओर से कुछ भी हम उसमें ऐड नहीं करेंगे। हाँ, कौन सा अंतर्मूर्त कितना छोटा है कितना बड़ा है, इसको अल्प बहुत्व कहते हैं। उसके माप सारे अपने आगम ग्रंथों में भरचक भरे पड़े हुए। अभी हम 9वें गुणस्थान के देखते हैं। अब 9वें जो 8वें में थे और 9वें में नहीं है, ऐसा क्या होगा? छह नौ कषाय के नाम क्या है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा। 8वें तक थे, यानी वो 2 युगल थे और भय जुगुप्सा के भी भंग थे, वो यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, तो यहाँ कहाँ से उसका अक्ष कहाँ से शुरुआत हो जाएगा? एक कषाय है, एक वेद है और योग है। हमने देखे थे ना, हमने यहाँ उसके देखे थे स्थान कितने का था, 3 का और 2 का। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर अनिवृत्तिकरण में भंग, वेद सहित में। वेद सहित ने पहले भाग में किसी को पुरुष वेद है, किसी को नपुसक वेद है, किसी को स्त्री वेद है, तो वहाँ पर कषाय 4 कौन से? क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन के, तीनों ही वेद है। और 9 योग है, तो उसकी टोटल करने, अभी कोई भंग तो है ही नहीं यहाँ पर, तो डायरेक्ट उसको हमको गुणा करना आपस में, तो 108 उसके हो जाते हैं। ये समझ में आसान है ना। अब उसके वेद सहित में ही दूसरा विकल्प लिया, क्योंकि एक अंदर में जहाँ नपुसक वेद की जो क्षय हुआ या उपशम हुआ, उसके बाद उसका उदय नहीं रहा, पहले नपुसक वेद चला जाता है, तो स्त्री वेद और पुरुष वेद 2 रहे, तो 4 कषाय 2 वेद और 9 योग से गुणा करेंगे तो 72 ये हो जाएगा। उसके बाद वेद रहित उन्होंने पुस्तक में डायरेक्ट लिया है, क्योंकि यहाँ जो 36 हो गए ना, और अकेला पुरुष वेद रहेगा तो भी 36 होते हैं, इसलिए उसको एक ही बार लिया उन्होंने। तो उसमें वेद रहित में क्या है? 4 कषाय है, वेद के ही तो छोड़ दिया और डायरेक्ट 9 को गुना किया, 4 गुना 9 तो कितने हो गए? देखो क्या है, पहले वेद का उदय है, तब तक वेद का बंद भी हो रहा था, फिर क्या होता है उसका उपशम या क्षय हो जाता है, बाद में क्रम से क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का क्षय या उपशम हो जाता है, इसलिए यहाँ क्रम से ऐसे लिखे। इसलिए 9वें गुणस्थान के बहुत सारे ऐसे भाग पड़ते हैं, भेद पड़ते हैं, अंतर्मूर्त वाले हैं। उसमें पहले हमने वेद सहित में 3 वेद सहित लिया, फिर 2 वेद सहित लिया, फिर वेद रहित डायरेक्ट लिया, क्योंकि पुरुष वेद के भी इतने ही आते हैं, इसलिए इसमें 36 को लेना था, एक ही बार लिया है। फिर क्रोध रहित हो गया, तो अभी कषाय में कितने लिए? देखो अब जाके यहाँ 3 आए, इसके पहले 4-4 थे अभी तक, यानी अभी क्रोध नहीं है, मान, माया और लोभ रहा, और योग है 27 इसके हो गए। फिर क्रोध रहित के बाद मान का उदय था, मान का उदय भी मिट गया, माया लोभ रहे पर मान निकल गया, तो कहते कि यहाँ कषाय 2 ही रहे, योग तो उतने ही है, तो 18 हो जाएंगे। माया रहित हो गया, माया रहित होने के बाद क्या रह गया? लोभ, जिसको हम बादर लोभ कहेंगे, तो 1 लोभ है, उसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगी। अब हमने सबके अलग अलग निकाले हैं भंग, तो इन सबकी टोटल करना है, वो कितने हो जाएंगे? 270। पहले कितने थे 8वें में?
864 थे, अभी उसमें वो सब 6-9 का शायद निकल गए थे, है ना। और यहाँ पर भी क्रम से एक एक घटते गए ना, इसलिए वो सब अंत में जाकर सबकी टोटल अलग करके वो 270 आ गए। अब आगे के तो फिर आसान है बहुत। फिर से वो अलग अलग है परंतु पुस्तक में उसको ऐसे ही स्वीकार किया। जीरो लिखते यहाँ अलग होना चाहिए था परंतु उन्होंने यहाँ नहीं लिया है, इसलिए पुस्तक के अनुसार हमने चार्ट बनाए, क्योंकि ये सब बताए हुए उसके अंदर, अपनी ओर से तो कुछ नहीं है। देखो पेज नंबर निकालो 703, जो अभी हमने अनिवृत्तिकरण क्या देखा था। देखो नीचे से या ऊपर से, 1 2 3 तीसरी लाइन लास्ट में, पेज नंबर 703 नीचे का पैराग्राफ, उस वेद सहित भाग में ही मिला 703, कषाय 4 वेद 2। पहले क्या देखा था, पहली लाइन में कषाय 4 वेद 3 योग 9, बराबर। हाँ, फिर दूसरी बात तीसरी लाइन में, वेद सहित भाग में ही कषाय 4 वेद 2 योग 9, ये 72 हुए। फिर वेद रहित लिया डायरेक्ट उन्होंने, क्योंकि मूल पुस्तक में ऐसा लिया ना, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट ऐसे ही लिया, क्योंकि उसकी जो गाथा है उसमें भी उतने ही उमंग उन्होंने स्वीकार किए, गाथा की बात है ना। देखो यहाँ पर 796 गाथा, अनरहित सहित कूड़े, 72 सय सयाण ते नऊदी सठी धुआहु मिच्छे, नहीं ये तो बाद में, उसके बाद में मिले, उसके बाद में लेना है, नहीं उसी में आ जाएगी। इन्हें उन्होंने टोटल निकाली, टोटल निकाली इसलिए उसमें नहीं, पर वो तो टीका में उन्होंने डायरेक्ट बता ही दिया है ना इस तरह से, इसलिए हमने उसको यहाँ पर नहीं लिया। ऐसा लगता है ना कि पुरुष वेद का अलग चाहिए और इसका अलग चाहिए, अलग करेंगे तो 36 ऐड हो जाएंगे उसके अंदर। हाँ, परंतु पुस्तक में जो लिखा है उसको ही लिखना था, इसलिए हमने उसको ले लिया है। अभी आगे के तो क्या एक एक लाइन में बताना है, सूक्ष्म सांप्राय में पोजिशन क्या है, कषाय कौन सा है, लोभ है। हाँ देखो, सूक्ष्म सांप्राय ने 10वां गुण स्थान, कषाय 1 है, कौन सा, सूक्ष्म लोभ, फिर भी योग 9 है, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे तो भी भंग 9 ही आ जाएगी। वहाँ तो 270 गिनाए थे ना हमने, अभी 9 पर आ गए। अभी उपशांत मोह यानी 11वां गुण स्थान, देखो उपशांत हो या क्षय किया हो, उदय का अभाव है तो इसलिए उसके भंग भी वैसे ही हो गए। अभी यहाँ कषाय कितने हैं, कषाय रहित हो गया पूरा, पूर्ण वितराग, परंतु योग है तो आश्रव भी है, तो भंग कितने हो गए टोटल 9। वैसे ही क्षीण मोहिने 12वां गुण स्थान है, यहाँ कषायों का क्षय हो चुका है इसलिए इसका भी उदय नहीं है, यहाँ पर भी योग 9 है इसलिए भंग 9 बताए। संयोग केविले में योग 7, कौन से, मन के 2, वचन के 2, फिर औदारिक रेगुलर तो है ही एक योग, और जो समुद्घात करते हैं उनमें कर्म औदारिक मिश्र और कर्मा, इसलिए 7 टोटल योग बताए है तो उसकी संख्या भी 7 हो जाएगी। आपका प्रश्न है मुख केवली में वचन योग बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, जब तक वो निरोध नहीं करते, योग निरोध, तब तक ये सारे योग वगैरह भले वो बोले या नहीं बोले उससे कुछ बात नहीं है, इनकी वाणी नहीं निकली तो ये वचन योग नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमने मौन रखा 7 दिन या 10 दिन, तो वचन योग उतने काल तक रुक गया क्या, नहीं रुका, हम प्रवृत्ति को देख रहे हैं, बाहर का कार्य को देख रहे हैं, उसकी बात नहीं है। वैसा आत्म प्रदेशों का कंपन उस जाति का वो तो होता रहता है, वो तो केवल ही हम में बात है, हमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ अभी हम आते हैं, ये तो हमने ये चार देखे थे ना। हाँ, अभी पेज नंबर, अभी नहीं, अभी रुको,
अभी पेज नंबर 706 निकालना है। ये यहाँ जो भंग लाने के जो विधान है, सब हमने पहले आपको पहले ही बताए थे, क्योंकि 704, 5 ये पेजेस हमने पहले सिखाए थे आपको। एक और बात हो सकती है, जिनका केवली समुद्धार नहीं होगा उनके अलग से लिखना चाहिए थे। नहीं, इसको टोटल में ले लिया, उनमें योगों में सब मिलकर योग लेना है। नहीं, जैसे जिनका केवली समुद्धार नहीं होगा उनके कर्मांड का योग उदारिक मिश्र वगैरह नहीं बनेगा। हाँ, अलग ही ना हो तो क्या करेंगे फिर, उसकी टोटल तो करनी पड़ेगी ना। उनके दो है और बाकी लोगों को 5 है, तो वही उतने हो गए ना। ये थोड़े कोई अन्य अगर उसमें विकल्प होता गुणा करने का तो अलग से बताते, यहाँ तो बस योग ही उनकी टोटल ही तो करनी है, तो हर एक को एक एक बार गिन लिया तो हमारे सारे हो गए। अभी ये निकालना पेज नंबर 706। देखो नीचे का जो 800 नंबर की गाथा है ना, उसका हेडिंग पहले पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग देखे थे, वो पुद्गल के भी परिणामों की अपेक्षा मुख्यता से बात की थी। अब यहाँ जीव के परिणामों को भी लेना है, वहाँ तो उसकी बात थी ही, परंतु यहाँ स्पेशली जीव के कौन से परिणामों से कौन से कर्म बनते। ऐसे कर्म तो हर समय बनते, जैसे ज्ञानावरण का बंध कहाँ से कहाँ तक होगा, तो पहले गुणस्थान से 10वें तक। परंतु यहाँ जो कारणों की चर्चा की है तो उसमें उसका विशेष यानी उसका अधिक आवरण, यानी किस अपेक्षा से उसमें स्थिति अधिक बंधेगी और उसका अनुभाग ज़्यादा होगा, इस अपेक्षा से उसके ये कुछ कारण बताए यहाँ पर। क्योंकि बंध तो हर जगह हर बार हो रहा है, जैसे 10वें गुणस्थान तक बनते हैं तो शुद्धोपयोग में भी बंधेगा, जो अशुभ कार्य कर रहा है तब भी बंधेगा, जो शुभ कार्य कर रहा है तब भी, यानी उसके भाव हो रहे हैं तब भी बंधेगा। फिर भी यहाँ चर्चा क्यों की, तो ये चर्चा इसलिए जो अशुभ कर्म होते हैं वो अति संक्लेश या तीव्र जहाँ कषाय होते हैं उनका अनुभाग, अनुभाग यानी फल देने की शक्ति भी ज़्यादा होती है उसमें और उसकी स्थिति भी लंबी बनती है। समझ में है नहीं यहाँ तक बात, अभी हम यहाँ पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगा। देखो पेज नंबर है 706 और 800 गाथा के ऊपर की जो लाइन पढ़ेंगे हम आगे, यानी इसके अभी आगे, प्रत्ययों के उदय के कार्यभूत। अभी तो हमने क्या कहे थे, प्रत्ययों के उदय देखे, उसका अर्थ क्या है, ये पुराने कर्मों के उदय में होने वाली बातें अभी तक देखी, वो है कारण। और अभी कार्य क्या है, ऐसे जीव के जो परिणाम। तो पहले प्रत्ययों का उदय होता है कि पहले जीव के परिणाम होते हैं, आप बोलेंगे हाँ, युगपत होता है फिर भी उसमें कारण कार्यपना का उपचार होता है। परसों गुरुदेव के उसमें आया था ना, दीप और प्रकाशवत, दीप को कारण कहेंगे दीपक को और प्रकाश को कार्य कहेंगे, समय दर्शन को कारण कहेंगे, समय ज्ञान को कार्य कहेंगे, है तो युगपत एक समय में। ऐसे ही यहाँ पर पुराने कर्मों का उदय और यहाँ जीव का जो मोह दाग द्वेष परिणाम एक ही समय में है, फिर भी उसको कारण कहेंगे, इसको कार्य कहेंगे। फिर जीव के परिणाम को कारण कहेंगे तो नए बंध को कार्य कहेंगे। यहाँ संग आश्रव की बात चलेगी, पहले अभी तक हमने असंग आश्रव की बात देखी थी, देखो अभी पढ़ते हैं। यानी यहाँ पुराने कर्मों के उदय को अभी तक हमने देखा था, वो असंग आश्रव थे जो पुद्गल के परिणाम थे, जिसको हमने प्रत्ययों का उदय कहा था। अब यहाँ जो बात चलेगी वो संग आश्रवों की चलेगी। असंज्ञ को कितना लंबा चौड़ा समझाया, इसको अभी 2-4 पेज में बताएंगे। अभी पहले गाथा पढ़ते हैं। पड़िनी गमंतराए उवघादो तप्पदोष निन्नवणे आवरण दुगम भूयो बंददि अच्छासनाए वी। अभी डायरेक्ट उसकी टीका पढ़ते हैं। शास्त्र या शास्त्र के धारक आदि में, शास्त्र के धारक यानी शास्त्र का जिसको अभ्यास है ऐसा जीव, उसको कहेंगे शास्त्र के धारक, यानी उस ज्ञान के धारक जीव। आदि में, आदि में और भी अन्य बातें समझ लेनी, अभिनय रूप प्रवृत्तियों से, यानी उसके बारे में जो अभिनय करेंगे, शास्त्र के अभिनय करने के परिणाम या दो शास्त्र जानने वालों प्रति अभिनय के परिणाम ऐसे, और उसकी प्रवृत्तियाँ लिया, उसमें प्रवृत्तियों से प्रतिकूल होना, क्या कहा,
अभिनय रूप प्रवृत्तियों से अभिनय रूप प्रवृत्ति करके हमने शास्त्र से प्रतिकूल हुए, या के शास्त्र के धारक जो ज्ञानी है उनके प्रतिकूल हुए, तो वह प्रत्यनीक है। उसको क्या कहेंगे? प्रत्यनीक। अभी यहाँ ऐसे नाम बताने वाले हैं और उनके कारण ज्ञानावरण स्थिति और अनुभाग अधिक बंधेगा। अभी कौन? पहला नाम हमने लिया प्रत्यनिक। प्रत्यनिक का अर्थ क्या हुआ? शास्त्र और शास्त्र के धारक जीवों के प्रति अभिनय। ज्ञान में विच्छेद करना वह अंतराय है। अंतराय तो सब समझते हैं ना, यानी कोई पढ़ रहे हैं या कोई कुछ चल रहा है तो उसमें विच्छेद करना यानी उसमें विघ्न डालना, वो क्या है? अंतराय। यानी ये सब अभी जो गिनाएंगे ना, पहले उनके नाम गिनाएंगे, अभी इन सारों से क्या हो रहा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण कैसे बन रहा है, तो कहते तीव्र अनुभाग वाला बंधेगा, अधिक स्थिति वाला बंधेगा। मन से वा वचन से प्रशस्त ज्ञान का दोषी होना, यानी दूषण लगाना, ज्ञान में दूषण लगाना, वा अभ्यासक जीवों को, यानी जो शास्त्राभ्यास वगैरह कर रहे हैं ऐसे जीवों को क्षुधादि बाधा करना, वह उपघात है। भूखे रखना कहो और कोई अन्य अन्य बाधा डालना, वो क्या है? उपघात। अभी तक कौन सा देखा हमने? प्रत्यनिक, अंतराय और उपघात। ये उपघात नाम कर्म वो यहाँ नहीं लेना, एक ही शब्द अलग जगह अलग अलग अर्थ में आते हैं। तत्व ज्ञान में हर्ष का अभाव अथवा मोक्ष के साधनभूत तत्व ज्ञान का उपदेश होता हुआ किसी को न सुहावे, अच्छा न लगे, ऐसे हमको देखते हैं ना जी, नहीं समझा? ये देखो, कोई हम किचन में, लेडीज़ को तो पता है सब, महिलाओं को, तो तेल रखते हैं चूल्हे पर, गैस पर, तो वो उबल रहा है, क्यों? क्या करने था आपको? पकौड़े बनाने थे कि पूरी? पूरी पूरी अच्छी लगती, अच्छा पापड़ तलना था। परंतु तो क्या हुआ, उसमें किसी ने जल छिड़क दिया तो क्या होगा? आग लग जाएगी, भड़का हो जाएगा, आग लग जाएगी कहते। ऐसे ही जो विषय कषाय रूपी, जो नहीं, विषय कषाय में जिसको मजा आती है उसमें जो लीन होते हैं, रम्मान होते हैं, ऐसे जीवों को जिनवानी रूप जो शीतल जल उनको सुनावे तो क्या होता है? भड़का हो जाता है। और उनको विषय कषाय की बातें बताएं तो मजे से, आपको अपने पैसे से आपको वो सब पिक्चर दिखाएंगे और क्या क्या घूमने ले जाएंगे, होता है कि नहीं? सब देखते कि नहीं? तो ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान में हर्ष का तो अभाव है, और जो मोक्ष ज्ञान के साधनभूत तत्व ज्ञान का उपदेश होता हुआ भी किसी को न सुहावे, अच्छा न लगे, उसके अंतरंग में दुष्टता होना वह प्रद्वेष है। वो ऐसी दुष्टता होती है कि वो जिनवानी सुनाने वाले कोई विघ्न डालेंगे। वो आता है ना चिड़िया और बंदर की कहानी, नहीं समझे? वो चिड़िया क्या है, एक एक को चुन चुन कर वो एक एक तिनका लाती है और अपना घोंसला बनाती, उसी पेड़ पर एक बंदर रहता है, वो तो क्या इधर उधर कूदने में ही मजा करने में अपना समय जाता है, तो उसको बार बार कहते हैं, अरे देखो तुझे तो हाथ पैर है, इतनी बुद्धि ज़्यादा है, तू अपना घर क्यों नहीं बनाता? तो ऐसा हंस के टाल देता है और इधर उधर कूदने लगता है। फिर थोड़े दिन में फिर ऐसी ही बातें होती हैं, बार 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 क्या कहते हैं, अरे तू घोंसला क्यों नहीं बनाता, अभी तो बरसात के दिन इतने नज़दीक आ गए, ऐसा मुझे सिखाती है क्या? चलो, तो उसका घोंसला ही तोड़ देता है। ऐसे ही हम जबरदस्ती किसी को सुनाने लगते हैं ना, उसी को तो रुचि नहीं है, बार 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 हम क्या कहते हैं उसको, ये डोस पिलाते रहते हैं, उसको तो अच्छा नहीं रहता लगता, क्या करेगा? आपको ही विघ्न करेगा। ऐसे जो परिणामों से, हाँ उसको अपने परिणामों से बहुत ये ऐसे दोष लग रहे हैं, ज्ञानावरण का तीव्र बंध हो रहा है, परंतु ऐसे जीवों से देखो उपदेश भी करना है ना, तो पात्र जीव देखकर जो सुनना चाहता है उसको सुनाओ। हमें विकल्प आते कि हमारे बच्चे भी सुने, हाँ सुनाने की कोशिश करो, अगर सुनते तो अच्छा है, अगर नहीं सुनाते हैं और उनको उसके प्रति द्वेष हो रहा है तो जबरदस्ती तो मत करना, क्योंकि वो तो सुनने वाले है ही नहीं है, क्यों भाई? फिर पूरे समाज को सुधारने निकले ना आप, कौन सुधरेगा? पहले में मेरे से कोई सुधर सकता है, मान्यता यहाँ मिथ्यात्व चल रहा है। सुधार देखो, ऐसा विकल्प आता है सुनाने का भाव, किसी को कहने का भाव, अरे जैनी के अन्य मतियों के साथ भी चर्चा होते, पर उसमें भी ऐसे कोई जिज्ञासु होते कि वो पलट जाते हैं, और वो स्वयं उसके जिज्ञासा हो तो एक्सेप्ट करेंगे, और अंदर से उनके द्वेष होता हो, यह प्रद्वेष कहा ना, तो उसको सुनाने से तो उल्टा हो जाता है। तो उसको
तो हाँ 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 वही वही है सब, वही तो है ना, देखो वही तो सूत्रों में बताया है। हाँ बिल्कुल सब याद है हमको सबको। हाँ हाँ ऐसा कहते हैं तो स्थितिकरण तो करना चाहिए ना। स्थितिकरण अंग स्वयं सम्यक दृष्टि के होता है। वो किसी का स्थितिकरण कौन करेगा, तो जो स्वयं पहले में पहले अपना होता है स्थितिकरण, अपनी दृढ़ता अपन बढ़ाना, वो हमारा स्थितिकरण है। सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि और दूसरे मिथ्या दृष्टि का स्थितिकरण क्या करेगा। समझ में आती है ना बात, इस तरह बात है। देखो विकल्प आना बात आए, पर मैं उनका स्थितिकरण करता हूँ ये मान्यता ही मिथ्या है। अभी आगे चार हो गए, किसी कारण से स्वयं जानते हुए भी ऐसा नहीं है या मैं नहीं जानता ऐसा कहना, अथवा जिससे अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है वह यदि जगत में प्रसिद्ध नहीं है। क्या कहते हैं पहली बात कौन सी बताइए, किसी ने कुछ पूछा हमको मालूम है और उसको हमने अरे मुझे नहीं मालूम कह दिया, उसको तो कुछ जानने की रुचि थी और हमने नहीं बताया, या जिससे अपने को ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी जिसको हम हमारे गुरु कैसे गुरु विद्या गुरु जैसे कहेंगे, जिसके हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह यदि जगत में प्रसिद्ध नहीं है, उस अप्रसिद्ध गुरु का नाम छिपाकर जगत में प्रसिद्ध व्यक्ति को तीर्थंकर आदि को अपना गुरु बतलाना निन्नव है। जैसे अपने गुरु का नाम छिपाना, वो भले प्रसिद्ध हो नहीं हो, अरे उनका नाम लेंगे तो हमको कोई नहीं बुलाएगा। ऐसा हुआ था, हम सागर गए थे, सागर सागर में हमें तो तारणपंथियों ने बुलाया था। तारणपंथी है दिगंबर, पर वो मूर्ति नहीं रखते हैं, शास्त्र रखते हैं। पर आजकल वो भी सारे लोग मूर्ति को भी मानने लगे, उस सारे यानी उसमें से कुछ नहीं मानते और अपने को अच्छी तरह से जिनवानी भी सुनते। सारी जिनवानी जो हम पढ़ते हैं उनके पास है, उनके वो तारण मुनि ने लिखे हुए जो ग्रंथ है, आध्यात्मिक परम आध्यात्मिक ग्रंथ, उत्कृष्ट ग्रंथ है उसे। तो वहाँ सभी लोग वहाँ आते थे, सभी मंदिरों के लोग अपने अपने प्रवेशन बंद करके उनके चैत्यालय में आते थे। 250-300-400 लोग आते थे उस पूरे, और फिर उन्होंने वो जहाँ वो मंदिर था बड़ा मंदिर अपने दिगंबरों का, तो वहाँ से कुछ लोग आए और इनसे बात करने लगे कि हम आपको हमारे मंदिर में बुलाना चाहते हैं, वहाँ पर एक शिविर लगाएंगे आपको। ठीक है, पर हमारी एक कंडीशन है। इन्होंने बोला अरे प्रवचनकार को कंडीशन डालना चाहिए, आप ही कंडीशन डाल रहे हैं। क्या है, कांजी स्वामी का नाम नहीं लेना। इन्होंने बोला भूल जाओ, अरे हम अपने गुरु का नाम क्यों छुपाए, हम बार बार खाली उनकी जय जयकार थोड़े बोलेंगे बार बार, परंतु सहज रूप से जो हमें जिनसे प्राप्त हुआ उनका नाम तो सहज रूप से आता है, और आप ऐसी कंडीशन डालते हो तो हमें आना ही नहीं, आप भूल जाओ हमारे बुलाना ही भूल जाओ। ये क्या है, जिनसे हमें ये सब प्राप्त हुआ है उसका नाम क्यों छुपाए हम, क्यों नहीं ले नाम। समझ में आते हैं ना, निन्नव दोष किसको होता है। अभी ये मिथ्या दृष्टि है ना सारे निन्नव। हाँ काय और वचन से अनुमोदना न करना, क्या कहा, काय और वचन से अनुमोदना न करवा अथवा करना, अथवा काय से वचन से और कार्य के प्रकाशन से ज्ञानाभ्यास का वर्जन यानी तिरस्कार करना। क्या कहते हैं, ज्ञानाभ्यास का तिरस्कार करना, वो आसादन है, असाधना होती ना, असाधन है। इन छह कार्यों के होने पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण दोनों लिए, यहाँ पर दर्शन आवरण वाले दोनों कर्म लिए, इनको भूयः, भूयः का अर्थ है स्थिति और अनुभव की प्रचुरता युक्त बांधता है। केवल बांधता ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ज्ञानावरण का बंध हमने देखा पहले गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक होता है, तो यहाँ उसका अर्थ क्या होता है, भूयः का अर्थ क्या हुआ, स्थिति अधिक बनती है और अनुभाग भी अधिक बनता है, क्योंकि ये पाप कर्म है। ज्ञानावरण दर्शनावरण ये कैसे प्रकृतियां हैं, अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, पाप प्रकृतियां हैं। तो पाप प्रकृतियों में ऐसे जो तीव्र कषाय है उसके कारण उसका अनुभाग अधिक बनता है और उसके स्थिति भी लंबी बनती है। अब यहाँ वही प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ संदेह होता है, आशंका होती कि बंध तो प्रति समय निरंतर है, हमने बोला ना पहले गुण अनादि से हो रहा है, दसवें तक निरंतर होता रहेगा, क्योंकि ये ध्रुव बंधनी बंदी प्रकृति है, हमेशा बंधने वाली प्रकृति है। तो यहाँ इनके होने पर ही बंध कैसे कहा, इसलिए वहाँ शब्द क्या डाला था, भूयः। तो उसका अर्थ क्या हुआ, जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया,
कि उसका अनुभव अधिक तीव्र बनता है। हाँ, अभी आगे की गाथा पढ़ते हैं। वे दोनों का बंध होता है ना, परंतु विषय से ज्ञान संबंधी होगा तो ज्ञानावरण और दर्शन संबंधी होगा तो दर्शनावरण, इस तरह से। अभी 801 गाथा। भूदानुकंपवदजो गजंजिदो खन्ति दान गुरुवत्तो बंधदि भूयो सादम विवरीयो बंधदे इदर। अभी 708 पेज पर आते। कर्म के उदय से नाना गतियों में जो होते हैं अर्थात उपजते हैं, उन्हें भूत या प्राणी कहते हैं। भूत किसको कहना, तो जो हम जीव है उनको हम भूत कहते हैं। उनमें अनुकंपा यानी दया, हिंसादि के त्याग रूप व्रत यानी जीवों की हिंसा का त्याग रूप व्रत और समाधि यानी सम्यक परिणाम वह योग, इनसे जो जीव युक्त होता है यानी अनुकंपा है, दया व्रत आदि परिणामों से युक्त है, तथा क्रोधादि के त्याग रूप क्षमा, चार प्रकार के दान और पंच परमेष्ठी की भक्ति से युक्त होता है वह जीव क्या है, साता वेदने को तीव्र अनुभव के साथ प्रचुरता से बांधता है। अरे वहाँ तो हमने अनुभव तीव्र बांधता है, ज्ञानावरण तो तीव्र कषायी था, और यहाँ साता वेदने को भी तीव्र अनुभव सहित बांधता है, क्यों? अरे ये पुण्य प्रकृति है, इसका अनुभाग अधिक, ये पुण्य प्रकृति का अनुभाग अधिक है, यानी उसके फल भी वैसे संयोगों के अनुकूलता अधिक मिलेगी, समझ में? यहाँ तीव्र अनुभाग ही कहा, स्थिति न कही, क्योंकि जो पुण्य प्रकृतियाँ है, अब यहाँ कैसे परिणाम से बांध रहे, शुभ परिणामों से, यानी मंद कषाय से पुण्य प्रकृति बांधती है बनती है, तो उसमें उल्टा पुल्टा होता है, अनुभाग अधिक बनता है, स्थिति मिनिमम बनती है। जैसे साता वेदनी की मिनिमम स्थिति कहाँ बनती है, अरे तेरहवें में तो उसको स्थिति नहीं कहते, दसवें में अंत समय कितनी बनती है, साता वेदनी कितनी बनती है, बारह मूर्त। हाँ हाँ, वो मिनिमम। उसका कारण यह है कि स्थिति बंध की अधिकता विशुद्ध परिणामों से नहीं होती, यानी विशुद्ध परिणाम यानी मंद कषाय, वहाँ स्थिति कम बनती है, किसकी स्थिति कम बनती है, पुण्य की भी और पाप की। फिर से सुनना, जहाँ कषाय मंद है वहाँ स्थिति पुण्य की और पाप की कम बनती है, जहाँ तीव्र कषाय है वहाँ स्थिति पाप में ज़्यादा, पुण्य में कम, पुण्य में कम बनती। अनुभाग जहाँ मंद कषाय है वहाँ पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग ज़्यादा, हाँ, और पाप प्रकृतियों का कम, इस तरह से। अभी बाकी चर्चा हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, अभी रुकते हैं यहाँ पर। बोलो 2400 भगवान की जय।